नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जो आपकी पेट परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पेपर को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। वीडियो का पहला पार्ट आ चुका है और दूसरे पार्ट में हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। उत्तर देखते हैं, तो इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भारत के एक गुप्त सम्राट थे। भीतरी स्तंभ शिलालेख से पता चला कि उन्होंने हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सोने के सिक्के व 4 प्रकार के चांदी के सिक्के चलवाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली। इसका उत्तर है मुंबई। सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसकी पहली एवं वर्तमान महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत व ऊष्मा का सुचालक आरोही क्रम है। आपके ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। ऑप्शन बी एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। ऑप्शन सी है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। इसका उत्तर है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। एल्युमिनियम विद्युत व ऊष्मा का अच्छा सुचालक माना जाता है। तांबा उत्पादन में चिली विश्व में प्रथम स्थान पर है। चांदी इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, गोरी, बलबन, ऐबक। इसका उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित किया तथा कुतुब मीनार बनवाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। बलबन ने सिजदा व पायबोस की परंपरा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। इसका उत्तर है जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है चीन, साउथ कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन। उत्तर इसका चीन है। चीन के शंघाई में दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपने रैंक बरकरार रखते हुए 2 मेट्रो लाइन खोली है। यह आप मेट्रो लाइन की तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर बाजार का नियंत्रण होता है? आपके ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और साम्यवादी। इसका उत्तर है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर बाजार का नियंत्रण होता है। इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग बाजार पर निर्भर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी के बजाय सरकार या समाज को अधिपन्य होता है। इस जन कल्याण की भावना से कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक औषधि है क्लोरोक्वीन, टेट्रामाइसिन, मेथिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपके उत्तर हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जिसे स्पिरिट कहा जाता है, यह उपचार एवं दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे तेजाब कहा जाता है। टेट्रामाइसिन दर्द बुखार की औषधि है। क्लोरोक्वीन एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। इसका उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है व बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड से ली गई है जिसमें 7 सदस्य हैं। आखिरी क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान तथा नेपाल। इसका उत्तर है भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है, अर्थात जितना ये CO2 बनाता है उससे ज़्यादा अवशोषित करता है।
उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो का अगला पार्ट जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।